वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे से होंगे। आज मैं आप लोग के साथ एक पील ऑफ मास्क का वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जो कि मेरे पास रखा है एवरयूथ का। और आपसे मैंने पहले भी बता रखा है, मुझे जब भी कुछ नया ट्राई करना होता है तो मैं वो छोटा ही मंगाती हूँ। मैंने ये भी छोटा सा मंगाया था, नायका से मंगाया था, और इसका प्राइस है 55 रुपीज़। और हमेशा सेल चलती चलती रहती है, तो आप जब मंगाओगे तो कुछ आपको एक्स्ट्रा ऑफ, मतलब 55 रुपीज़ में या 50 रुपीज़ में आप ट्राई कर सकते हो। गोल्डन ग्लो पील ऑफ मास्क है। तो चलिए इसको पहले मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कैसे। इसको यूज़ करने से पहले अपना फेस बहुत अच्छे से क्लीन कर लेना है, जो कि मैं अब करूँगी, आपको दिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो बहुत लंबा नहीं बनाते हुए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, सबके साथ जिनके साथ आप शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिएगा, और लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत 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 ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने अपना फेस क्लीन करने के लिए, मेकअप क्लीन करने के लिए हिमालय का फेशियल वाइप्स जो है उसको यूज़ किया है। अच्छे से पूरा बहुत अच्छे से मेकअप को क्लीन करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा ये जो पील ऑफ मास्क है उसको अपने हाथ पे लेंगे। देखो इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, एकदम डार्क सी, जिसको हम गाढ़ा सा बोलते हैं ना, थोड़ा थिक सा वैसा है। अब इसको बहुत बचाते हुए आईज़ एरिया के पास बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि आईज़ एरिया हमारा बहुत सॉफ्ट होता है, और अगर उसके पास लग जाएगा तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है निकालते टाइम। तो अब इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए इसको लगा के रखेंगे, और 15 मिनट करोगे तो ज़्यादा अच्छे से रिजल्ट देगा। देखो ये पील ऑफ मास्क ना जब एकदम से ड्राई हो जाता है तो ये कुछ ऐसा हो जाता है। मैंने फ़र्स्ट टाइम लगाया था, कभी मैंने ये ट्राई नहीं किया, फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया, और मुझे लगता था शायद स्किन में बहुत ज़्यादा पेन होगा निकालते टाइम, बट कुछ भी नहीं हुआ, मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। और आप अच्छे से देख सकते हो ध्यान से कि जब मैंने इसको लगाया था तो मेरी स्किन मेकअप रिमूव करने के बाद कैसी थी और अब कैसी है। इसको हल्के हाथों से पूरा अच्छे से रिमूव कर लें। रिमूव करने के बाद इसको आप चाहो तो फेस वॉश कर सकते हो। मैंने फेस वॉश इसलिए नहीं किया, वाइप्स ही इसलिए क्लीन किया, क्योंकि मुझे आप लोग के सामने ही अपना फेस क्लीन करके दिखाना था। और आप मेरे फेस में पहले से और अब में डिफरेंस देख सकते हो कितना है। मेकअप रिमूव करने के बाद अजीब सा ब्लैक ब्लैक लग रहा था, और अब मेरा फेस कितना ज़्यादा क्लीन है, देखो एकदम साफ हो गया मेरा फेस। कैसा लगा मेरा वीडियो? आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत अच्छा है, मुझे इसका मैं यही कहूँगी, एक बार लेकर ट्राई करो। छोटा सा है, 55 रुपीज़ में, कोई बहुत महंगा नहीं है, एक बार ट्राई करो। चलिए मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।